बड़ा बहुत सीरियस विषय है जो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे सामने हमने रखा, और ये विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब का बेटा, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है, ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय है। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जान पूरा बल लगा रही है, वहां जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है, अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं, और ऐसी चीजें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी, तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं, और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ऐसी चीज आगे भी नहीं होनी चाहिए, और इसको इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में। मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यह पहली बार नहीं है कि हमारे सैनिकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ। कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का उनके फौज का आगे आने का उनको उन्होंने पुशबैक किया वहां, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है वहां, और ये अपमान हम देखते रहे हैं। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए, जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाया, जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीजें कही जाती थी। तो ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज हम जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं, पर हम देश के सामने भी ये विषय रखना चाहते हैं कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे सैनिकों पे ऐसी अटैक्स हों, और ये राजनीतिक कारण के लिए।